महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान के अंतर्गत आज असावता सहकारी समिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा ने की। मीणा ने अपने उद्घोषण में गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाई। मीणा ने गहलोत सरकार द्वारा महिलाओं के हितार्थ चलाई जा रही योजनाओं से महिलाओं को जुड़ने का आह्वान भी किया। मीणा ने कहा कि आज की नारी किसी भी तरह से पुरुषों से पीछे नहीं है। हमारी गहलोत सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नारी को स्मार्टफोन देकर एक कदम आगे बढ़ाया है। अब नारी अपने फोन के जरिए खुद भी देश विदेश की जानकारी चुटकी में पा लेगी। साथ ही मीणा ने कहा कि एक नारी पढ़ेगी तो 100 लोगों को शिक्षित करेगी। भाजपा सरकार ने इतने सालों में जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार ने गरीब वर्ग का ध्यान रखते हुए हर योजना को चालू किया है, जिससे कि गरीब तबके को भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। विधायक रामलाल मीणा के विधायक बनने के बाद जो विकास कार्य जिले में हुए हैं वो पिछले 25 सालों में नहीं हुए। अब चुनाव आ गए हैं, लोग आएंगे आपके पास लुभावने वादे लेकर, लेकिन उनकी बातों में नहीं आना है और राजस्थान में गहलोत सरकार के साथ ही प्रतापगढ़ में कांग्रेस का विधायक बनाना है, ताकि हमारे जिले में इसी तरह विकास की गंगा बहती रहे। कार्यक्रम के अंत में जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा ने पात्र परिवारों को फूड किट वितरित किए। मजबूत करने के लिए कई सारी योजना निकाल रखी, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए